एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी अच्छी तरीके से होंगे फ्रेंड्स, और आप लोगों की गार्डनिंग अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज मैं आपको समर सीज़न के एक बहुत ही अच्छे फ्लावरिंग प्लांट के बारे में कुछ जानकारी दूंगी, जिसको अडेनियम कहते हैं। फ्रेंड्स, अडेनियम भी कई नाम से जाना जाता है, जैसे सभी स्टार, मॉक, अजेलिया, इम्पाला लिली और डेजर्ट रोज के नाम से भी इसको जानते हैं, क्योंकि ये डेजर्ट एरिया का प्लांट है और ये अफ्रीका का नेटिव है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही धीरे धीरे बढ़ने वाला प्लांट है और फ्रेंड्स, इसकी ग्रोथ जो है बहुत ही धीरे धीरे होती है। इसके फूलों के रंग कई होते हैं, जैसे लाल, गुलाबी, सफ़ेद, और ये सिंगल पेटल में भी होते हैं और डबल पेटल में भी। मेरे पास ये सिंगल पेटल का अडेनियम है फ्रेंड्स, और ये प्लांट जो है विंटर सीज़न में डॉर्मेंसी पीरियड में चला जाता है। जैसे ही समर सीज़न की स्टार्ट होता है, इसमें फ्लावरिंग आना शुरू हो जाती है, क्योंकि फ्रेंड्स ये फुल सनलाइट में रहने वाला प्लांट है। इसको सनलाइट बहुत पसंद है, जितने इसको धूप मिलेगी उतनी ही अच्छी इसमें फ्लावरिंग होती है। फ्रेंड्स, इसको प्रोपेगेट करना बहुत ही इजी है, ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। ये कटिंग से भी ग्रो होता है और ये सीड से भी ग्रो होता है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसके ये सीड बनते हैं। ये देखिए, ये फली टाइप का है ये, और ये जब ये मैच्योर हो जाती है तो ये फट जाती है, तो इसमें से सीड जो है निकल करके बिखर जाते हैं। आप उसको कोकोपीट में लगा सकते हैं और उसको शेडी एरिया में रख दीजिए, तो आपके छोटे छोटे से बेबी प्लांट जो हैं ये निकल आते हैं। फ्रेंड्स, अब फुल सनलाइट में रहने वाले प्लांट के साथ साथ में फ्रेंड्स, इसकी सॉइल की बात करते हैं, तो इसको सैंडी सॉइल पसंद है। अगर आपने एक हिस्सा बालू लिया है तो एक हिस्सा इसमें मिट्टी और पुरानी गोबर की खाद या कंपोस्ट मिला करके इसको लगा दीजिए, तो ये बहुत अच्छी तरीके से सर्वाइव में करता है। फ्रेंड्स, आप इसमें बोन मील भी दे सकते हैं। बोन मील से क्या होता है फ्रेंड्स, इसके फ्लावर बहुत आते हैं ये, और जब इसकी सॉइल फ्रेंड्स से सूख जाए तभी इसमें वाटरिंग करना चाहिए। मैं इसमें एक हफ्ते में एक बार पानी डालती हूँ। समर सीज़न में तो 3-4 दिन में डाल देती हूँ, विंटर सीज़न में तो एक हफ्ते के बाद में इसमें पानी देती हूँ। अगर फ्रेंड्स इसमें वाटरिंग ज़्यादा करेंगे तो इसका ये जो कोडेक्स है ये बहुत ही खूबसूरत होता है, ये सड़ने लगता है। ये जब कोडेक्स फ्रेंड्स ख़राब होने लगता है तो प्लांट्स भी ख़राब हो सकता है। ये एक ऐसा प्लांट है फ्रेंड्स, आप इसको बोनसाई भी बना सकते हैं और इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। इसको आप जितने छोटे गमले में भी लगाइए तो बहुत ही अच्छी तरीके से सर्वाइव करता है ये। फ्रेंड्स, इसको धूप तो पसंद है और वाटरिंग का इसका खास ख्याल रखना चाहिए, और सॉइल की बात हो गई। बीच बीच में इसमें आप फर्टिलाइज इसको कर सकते हैं, आप पुरानी गोबर की खाद को आप इसको फ्रेंड्स लिक्विड फर्टिलाइज़र के तौर पर आप इसको दे सकते हैं, कि इसके फ्लावर का साइज़ बड़ा होने के लिए और उसका कलर अच्छा होने के लिए। फ्रेंड्स, देखिए ये कितना खूबसूरत ये प्लांट है ये। फ्रेंड्स, एक ख़ास बात और है कि ये एक टॉक्सिक प्लांट है, इसको अपने बच्चों और पेट्स से इसको दूर रखना चाहिए, क्योंकि इसकी लीफ और फ्लावर और स्टेम सभी फ्रेंड्स सभी में टॉक्सिक होता है ये, और इसको छूने से फौरन उसके बाद में अगर कहीं से फ्रेंड्स इसका जो सैप निकलता है वो उसमें पॉइजन होता है। तो इसलिए फ्रेंड्स फौरन आप इसको अपने हाथों को वॉश करना चाहिए, थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि बच्चे इसको ना तोड़ें और ना छुएं, क्योंकि जो फ्रेंड्स प्लांट्स देखने में भी खूबसूरत होते हैं और कोई कोई ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें पॉइजन होता है, तो इसलिए फ्रेंड्स इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए। और ये डेजर्ट एरिया का प्लांट है फ्रेंड्स, और हमारे यहाँ आजकल ये बहुत ही ज़्यादा ये
फेमस हो गया, इसको लोग अपने गार्डन में ज़रूर लगाते हैं। और क्योंकि फ्रेंड्स पूरी गर्मी ये इसमें फ्लावरिंग आती है और हमारे गार्डन को कलरफुल बना देता है, और अलग अलग रंग के जब ये खिलते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। हैप्पी गार्डनिंग।